ओमिक्रोन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को दो देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोस्वाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको दो दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रोन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी